बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वेजिटेबल पुलाव बनाएंगे, बहुत मज़े का और बड़े ही सिंपल स्टाइल से बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपनी रेसिपी। एक पतीली में मैंने 3/4 कप ऑयल लिया है, 2 तेज़ पत्ते लिए हैं, 3-4 छोटी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा, 10 से 12 लौंगे, 10 से 12 काली मिर्चें और 1 टीस्पून मैंने ज़ीरे का इसमें ऐड किया। हम इसको थोड़ा फ्राई करेंगे ताकि अरोमा इसमें आ जाए। और मैंने एक अनियन ली है बड़े साइज़ की, इसको बारीक काट लिया है, इसको हम गोल्डन ब्राउन करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक किया करें, शेयर किया करें और कॉमेंट किया करें। 1 टेबल स्पून इसके अंदर अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ, इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। बहुत सिंपल स्टाइल से बनाएंगे और बहुत मज़े का लगता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 3 हरी मिर्चें जो बीच से काट लिए मैंने, इसको मैं ऐड कर रही हूँ। ये देखिए, 1 आलू था बड़े साइज का, इसको मैंने चौकोर शेप में काट लिया डाइस में। गाजर भी 1 लिए मैंने, इसको भी काट लिए। गोभी, ये देखें, 150 ग्राम गोभी था जिसको मैंने काटा है। और ये मैंने बीन्स लिए, इसको मैंने काट के थोड़े से खौलते पानी में डाल के हल्का सा ब्लांच कर लिया था, इसको भी ऐड कर रही हूँ। मेरी रेसिपी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमक ऐड करेंगे इसमें 1 टेबल स्पून। हम 1/2 kg राइस के बनाएंगे तो सब्जियां उस हिसाब से हमने ऐड किए। थोड़ा सा पानी इसमें ऐड कर रही हूँ, बहुत सिंपल तरीके से बना रहे हैं और बहुत ज़्यादा इसमें सब्जियां नहीं डाली हैं मैंने। इतना कलरफुल सा, इतना मज़े का ये बनता है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब इसके अंदर मैं 2 कप पानी डाल रही हूँ इसके अंदर। 5 मिनट के लिए हम इसको पकाएंगे सब्जियों को। थोड़ी सी हरी मिर्चें मैं फाइन चॉप करके इसमें ऐड कर रही हूँ ताकि इसका टेस्ट अच्छा सा आ जाए। इसमें हमने कोई रेड चिली नहीं डाली है ताकि इसका कलर चेंज ना हो, बिल्कुल वाइट कलर का ये पुलाव बनेगा, बहुत मज़े का बनता है। देखिए, 1/2 kg चावल थे, मैंने इसको भिगो के रख दिए थे, सेला चावल यूज़ कर रही हूँ, तो मैंने 2 घंटे पहले इसको भिगो के रख दिए थे। सर्दियों में सब्जियां बहुत अच्छी आती हैं और उसका पुलाव बहुत मज़े का बनता है, इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। थोड़ा सा हम इसको कवर कर देते हैं ताकि ये देखिए हमारे 1/2 डन हो गए। अब हम इसके अंदर मटर ऐड कर रहे हैं। 1 कप मैंने मटर लिए थे। कलर देखें आप कितना खूबसूरत सा आया है। बस अब हम इसको दम पे लगाएंगे। अभी मैंने फ्लेम अभी हाई रखी हुई है, थोड़ा सा पानी और खुश्क हो जाएगा, इसको हम पे स्लो फ्लेम पे दम पे लगा देंगे 10 से 15 मिनट के लिए इसको। ये देखिए हमारा पुलाव रेडी हो चुका है, कितना ज़बरदस्त सा कलर, कितने चावल भी देखें खिले खिले कितने ज़बरदस्त से बने। इसको ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा। मेरे चैनल को जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर लें, बेल आइकन को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस किया करें ताकि आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिल सके। मेरे इंस्टाग्राम को भी फॉलो करें, टिकटॉक को भी। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।